हेलो यशी, द नेक्स्ट डाउट यू आर हैविंग वाज टॉपिक मोमेंटम. मोमेंटम टॉपिक जब हम पढ़ते हैं दैट इज़ दैट कम्स अंडर सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. आई होप आपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अच्छे से पढ़ा है, वो आपको समझ आ चुका है. बट फिर भी यहाँ मैं थोड़ा सा ब्रीफ देना चाहूँगी, क्योंकि मोमेंटम समझने से पहले हमें फर्स्ट लॉ समझ आना ज़रूरी है. ठीक है, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारी मूविंग सिचुएशन में है तो मूविंग सिचुएशन में ही रहेगी, और अगर कोई ऑब्जेक्ट आपकी रेस्ट पोजीशन में है तो वो रेस्ट पोजीशन में ही कंटिन्यूसली रहेगी जब तक कि उस पर हम कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं अप्लाई करते. ठीक है, आई होप आपको अनबैलेंस्ड फोर्स क्लियर है कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पर हम फोर्स की बात करते हैं कि जब तक हम फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक उस ऑब्जेक्ट की जो सिचुएशन है, कि जो स्टेट है, जैसे रेस्ट में है या मोशन में है, तो वो सेम रहेगी, स्टेट चेंज नहीं होगी. ठीक है, तो हम वहाँ फोर्स की बात करते हैं. ठीक है, अब आ जाती है बात मोमेंटम की. ठीक है, जब हम सेकंड लॉ पढ़ते हैं तो उसके लिए हम मोमेंटम की बात करते हैं, क्योंकि सेकंड लॉ स्टेट्स दैट रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स. ठीक है, वही फोर्स जो हम फर्स्ट लॉ में जिसकी बात कर रहे हैं. ठीक है, बट वो मोमेंटम के साथ रिलेट किया गया है सेकंड लॉ. अब मोमेंटम एक क्वांटिटी है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, जिसको हम स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस वर्ल्ड इज़ हैविंग अ पर्टिकुलर मास, चाहे वो जितना ही थोड़ा हो, कम मास हो या ज़्यादा मास हो. ठीक है, मास तो है हर ऑब्जेक्ट में. सो चाहे वो हम छोटे से छोटा इलेक्ट्रॉन ही क्यों ना ले लें, उसमें भी कुछ मास है ना. सो हर एक ऑब्जेक्ट में मास है, बट अगर उस ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी है तो वो ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ वर्क कर सकता है ना. मूविंग ऑब्जेक्ट किसी से भी टकराएगा तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट डालेगा, है ना, कुछ असर होगा उसका, उस मूविंग ऑब्जेक्ट का दूसरी ऑब्जेक्ट पे जिससे वो टकराया है ना. तो वो जो इम्पैक्ट है वो हम स्टडी करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मोमेंटम. ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि कितनी मोशन है किसी ऑब्जेक्ट में उस पर डिपेंड करेगा ये मोमेंटम, ये क्वांटिटी. क्योंकि मास तो किसी ऑब्जेक्ट का हमेशा सेम रहेगा, है ना. क्या चेंज हो सकती है उसकी, हमेशा वेलोसिटी चेंज हो सकती है, कभी ज़्यादा हो सकती है, कभी कम हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द फोर्स, जितना हमने उस पर फोर्स लगाया. ठीक है, तो कितना मोमेंटम ट्रांसफ़र करेगा, कितनी क्वांटिटी रहेगी उस मोशन की, तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं मोमेंटम के थ्रू. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको समझने के लिए एक बहुत अच्छे एग्ज़ाम्पल्स दे रखे हैं कुछ आपकी एनसीईआरटी बुक में भी. अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप पढ़ें, नहीं तो ऑनलाइन डाउनलोड करके भी आप पढ़ सकते हैं. आई होप आपके पास है अवेलेबल इधर डाउनलोडेड वर्जन और हार्ड कॉपी ऑफ द बुक. If you are having, you must read that concept or read that those examples. बहुत अच्छे examples दे रखे हैं. Examples के through एक समझाया गया है कि suppose एक आपके पास truck है जो कि जिसका mass क्या है, बहुत ज़्यादा है, heavy truck है ना, truck is heavy. और दूसरे केस में आपके पास एक cycle है जिसका mass as compared to truck is not very heavy, it is lighter than the truck, but both are moving with the same velocity. Velocity दोनों की क्या है, same है. Suppose 5 km/h की speed से दोनों चल रहे हैं. ठीक है, या 10 या 20 मान लो, कितने भी, तो जिस speed से ये दोनों चल रहे हैं उन दोनों में जो मोमेंटम होगा, क्रिएट होगा, वो क्या होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि मास दोनों का अलग है. वेलोसिटी सेम है पर मास अलग है. अब क्योंकि मास अलग है तो टोटल जो मोमेंटम दोनों का प्रोडक्ट होता है तो मोमेंटम दोनों का अलग होगा. वो कैसे हमने समझा कि जब हम कोलिजन की बात करते हैं कि इम्पैक्ट, इस मूविंग ट्रक का इम्पैक्ट क्या होगा किसी चीज़ पर, और साइकिल, मूविंग साइकिल का इम्पैक्ट क्या होगा, तो अब हम दोनों को चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं. अगर कोई मूविंग ट्रक, चाहे वो 10 किलोमीटर की स्पीड से ही चल रहा है, किलोमीटर पर आर की स्पीड से ही चल रहा है, स्लो भी चल रहा है, किसी चीज़ से टकराता है तो
वो डैमेज कर सकता है किसी चीज़ को। सपोज़ ट्रक किसी दूसरे व्हीकल से टकराया या किसी ट्री से या किसी बिल्डिंग से टकराया, तो इट कैन डैमेज दैट बिल्डिंग। तो उसका इम्पैक्ट क्या है, बहुत ज़्यादा है। ओके, सो इम्पैक्ट इज़ मोर। उसका असर जो है, टकराने का असर जो है, इफ़ेक्ट जो है, वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, इसको हम फिज़िक्स लैंग्वेज में इम्पैक्ट बोलते हैं। दूसरे केस में हम देखेंगे, अगर साइकिल सेम वेलोसिटी से चल रहा, अगर साइकिल सेम वेलोसिटी से चल रहा है बट उसका मास कम है, तो उसका इम्पैक्ट उसी जगह पर अगर वो टकराता है तो इम्पैक्ट विल बी लेस, उसका असर कुछ कम होगा, क्योंकि साइकिल उतना डैमेज नहीं कर पाएगा उस जितनी भी स्पीड से चल रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसा क्यों है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी कम सेम थी, मासेस में फ़र्क था। तो मास में फ़र्क होने की वजह से हुआ क्या, हुआ ये कि उसमें जो मोशन की क्वांटिटी थी, टोटल क्वांटिटी ऑफ द मोशन दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द मोमेंटम, सो दैट वाज लेस इन द साइकिल, सो दैट इज़ व्हाई द इम्पैक्ट वाज लेस। तो इस तरह से हम मोमेंटम को समझ सकते हैं। व्हाट इज़ मोमेंटम, इट इज़ डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मोशन, क्वांटिटी ऑफ मोशन। एक बहुत ही सिंपल आपको एग्जांपल देती हूँ, एक आपके पास हैवी कॉर्क बॉल है और एक आपके पास सेम साइज़ की प्लास्टिक बॉल है, प्लास्टिक बॉल एक कॉर्क बॉल है। जब हम क्रिकेट खेलेंगे प्लास्टिक बॉल से जैसे बच्चे खेलते हैं, और जब हम क्रिकेट खेलेंगे कॉर्क बॉल से, जब हम कैच करेंगे तो किसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा हमारे हाथों पे, कौन फोर्स ज़्यादा लगाएगा, किससे चोट ज़्यादा लगेगी, आप कह सकते हैं कॉर्क बॉल से, ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि क्रिकेट खेलते हुए जो स्पीड होती है ऑलमोस्ट हर बार सिमिलर ही होगी, मैं मान के चल सकती हूँ। तो और मास इसका ज़्यादा है, ठीक है ना, तो मास ज़्यादा होने की वजह से उस बॉल में मोमेंटम क्या आ जाता है, ज़्यादा आ जाता है। मोर और लेस वेलोसिटी हम सेम भी कंसिडर करें तो भी कॉर्क बॉल विल हैव मोर इम्पैक्ट एट आवर हैंड्स, है ना। तो प्लास्टिक बॉल का इम्पैक्ट क्या होगा, लेस होगा, लेस इम्पैक्ट होगा प्लास्टिक बॉल का, है ना। तो इस तरह से हम मोमेंटम को समझ सकते हैं कि मोमेंटम एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें हम मास और वेलोसिटी दोनों को रिलेट करके चल सकते हैं। ठीक है, अब जब भी वेलोसिटी में कुछ चेंज आएगा फोर्स अप्लाई होने की वजह से, तो क्या होगा, मोमेंटम भी डायरेक्टली उससे चेंज होगा, क्योंकि वेलोसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम। तो हम सेकंड लॉ में इसलिए ऐसा कहते हैं कि फोर्स अप्लाई हुआ तो वेलोसिटी चेंज होगा डेफिनेटली, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ हम कह सकते हैं। बट वेलोसिटी चेंज होने की वजह से मोमेंटम में भी कुछ चेंज होगा, इसलिए हम कहते हैं कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन द मोमेंटम अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इसलिए मोमेंटम और फोर्स रिलेटेड है अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम ऑल्सो। इफ देर इज़ अ प्रॉब्लम यू कैन आस्क अगेन। थैंक यू।